मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं INN24। हेलो, मैं हूं विकी कौशल एंड प्लीज कीप वाचिंग INN24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। नागपुर युवा कांग्रेस द्वारा मेडिकल चौक नागपुर स्थित पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काट कर युवा कांग्रेस द्वारा अभिनव आंदोलन कर केंद्र एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर युवा कांग्रेस पार्टी ने मेडिकल चौक पर पेट्रोल के विरोध में पेट्रोल पंप पर जोरदार मोर्चा निकाला। अब तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण आम नागरिक भी परेशान हो चुके हैं। बीजेपी सरकार है कि कीमतें घटाने का नाम नहीं ले रही, जबकि आज नागपुर में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए है। इस मुद्दे को लेकर नागपुर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केक काटकर बढ़ती पेट्रोल की कीमत को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई दी और महंगाई को लेकर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जहाँ गरीबों की जेब काटी जा रही है पेट्रोल पंप के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से शहर में आग लगी है, शहरी नहीं बल्कि पूरे देश में आग लगी है पेट्रोल के माध्यम से, वहीं कांग्रेस कमेटी के इस मेडिकल चौक पे जन्मदिन मनाया गया है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने का उद्देश्य यह है कि पेट्रोल के दामों को लेकर हो रही वाहवाही से यहाँ त्रस्त है नागरिक। तो आइए हम बात करते हैं गिरीश सर से, जो आपको इस मामले की पूरी जानकारी देंगे। जी सर, आप बताइए कि आपने जो केक कटवाया है और बर्थडे मनाया नरेंद्र मोदी जी का, जबकि वो अपोजिट पार्टी है, तो क्यों मनवाया आप? देखिए, आपको पता है आज का जो कार्यक्रम है ये नागपुर शहर यूथ कांग्रेस के माध्यम से किया गया हुआ है। नरेंद्र मोदी के काल में पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आज तक कभी बढ़े हुए नहीं। हमने आज मोदी जी का जन्मदिन जो मनाया गया हुआ है उसके पीछे के कारण ये, हम उनको बधाई देना चाहते कि मोदी जी 90 पार पेट्रोल हो गया है इसलिए आपको बधाई हो, मोदी जी गैस के भाव बढ़ गए इसलिए आपको बधाई हो, मोदी जी महंगाई बढ़ गई है इसलिए आपको बधाई है, और ये बधाई देने के लिए आज हमने उनका जन्मदिन मनाया गया हुआ है। और हम सारे लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहते कि कहाँ के अच्छे दिन, यही अच्छे दिन थे, यही बताने के लिए आज हमने मोदी जी का जन्मदिन उत्सव जो है मनाया गया है। कर क्यों ले सकते मुझे बताइए, कांग्रेस के वक्त में क्रूड ऑयल जो था 40 रुपये बैरल था, आज सॉरी 120 रुपये था, आज 40 रुपये है, उसके बावजूद भी उस वक्त में 60 रुपया लीटर पेट्रोल था। तो ये बीजेपी वालों ने बड़े बड़े मोर्चे निकाले थे। आज मुझे बताइए 40 रुपये बैरल के भाव ऑयल होने के बावजूद भी तुम 90 रुपये लेके जा रहे हैं, ये कहाँ की बात है? मोदी जी और अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि हम दाम नहीं कम कर पाए। अगर वो दाम कम नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा कहना है कि आप वहाँ से सरकार से निकलिए, कांग्रेस के हाथ में सत्ता दीजिए। कैसा कम नहीं होता हम करके बताते हैं, कांग्रेस वाले करके दिखाएंगे, ये हमारा कहना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए INN24 पर। नमस्कार।